उत्तरी इसराइल में जहां देखो वहां पर आग ही आग बरस रही है। इस पूरे इलाके पर हिजबुल्ला के काले बादल मंडरा रहे हैं, जो उत्तरी इसराइल पर गोले, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन बरसा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका युद्ध की आग में धधक रहा है। जी हां, हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हालांकि ये हमले कमांडर फवाद शुकुर की मौत के बाद से और ज्यादा भीषण हो गए हैं। उत्तरी इलाके में IDF जैसे ही कोई नई पोस्ट तैयार करती है, वैसे ही हिजबुल्ला के गोले उसे उड़ा देते हैं। अब एक बार फिर से हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक साथ कई बड़े हमले किए हैं, जिसकी वजह से पूरा उत्तर थर्रा उठा है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने जल अल अलम साइट पर गोले दागे हैं, जो सीधे इजरायली सेना के ठिकानों पर गिरे हैं। इसके साथ ही अल मालिकिया और अल समाका साइट्स पर दो बार हमला किया गया है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने जबल नजर साइट पर रॉकेट अटैक किया है। इसके अलावा अलजोरा में इजरायली अधिकारियों और सैनिकों के ठिकानों पर हिजबुल्ला के ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है, जो टारगेट पर एकदम सटीक लगा। एनजेटिम बेस पर बने उत्तरी कमांड के हेडक्वार्टर पर भी हिजबुल्ला के कई ग्रेड रॉकेटों को सुल्बो तक फायर कर दिए गए हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में उत्तरी सेना को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने IDF की एक सैन्य वाहन को निशाना बनाने का दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ये हमला रॉसेट अल आलम साइट पर किया है, जो कब्जे वाले कफार शोबा हिल्स में है। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ड्रोन बॉर्डर पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, और यही ड्रोन जमीन पर जा रहे एक IDF के वाहन पर जाकर फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी हिजबुल्ला को तगड़ी चोट दी है। दरअसल IDF ने लेबनान के मैफेडॉन और जोआया कब्जों में एयर स्ट्राइक की है। जोआया कस्बों में हिजबुल्ला का हसन फारिस जीशी नाम का एक लड़ाका मारा गया है। हिजबुल्ला ने खुद इसकी जानकारी दी है।